हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यूपीएससी ईपीएफओ जेटीओ के लिए अंतिम चरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह अंतिम चरण की प्रक्रिया कौन सी है? साक्षात्कार की है। साक्षात्कार के लिए 19 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक का दिन निर्धारित किया गया है। 5 दिनों में यह चरण पूरे होने हैं। आशा करते हैं आप इस अंतिम चरण के लिए अपनी कमर कस लिए होंगे और काफ़ी गंभीरतापूर्वक इस चरण के लिए तैयारी भी कर रहे होंगे। फ्रेंड, आप एक अधिकारी बनने वाले हैं और इस कारण से आपके पास अधिकारी होने का गुण होना चाहिए। आपको इसके लिए क्या करने हैं कि आपको खुद का प्रदर्शन अच्छी तरह से करना है। प्रदर्शन आप अपने व्यक्तित्व का करें, आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन करें। जितना आप बेहतरीन रूप से इंटरव्यू पैनलिस्ट्स के समक्ष में आप खुद को पेश कर सकते हैं, खुद को सर्व कर सकते हैं, उतना ही अच्छा होगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप अपने जीवन शैली, जितने भी दिन बचे हुए हैं, अपनी जीवन शैली को काफ़ी औपचारिक बनाने का प्रयास करेंगे। आप अपने जीवनचर्या में अपना शारीरिक मुद्रा को किस तरह से अपनाते हैं, किस तरह से आप खड़े होते हैं, किस तरह से आप बैठते हैं, किस तरह से आप किसी से वार्तालाप करते समय में बात करते हैं, इन सभी चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। फ्रेंड, आपको यह भी ध्यान रखना है कि जिस किसी भी बात को आपको कहना है, आप उस बात को कितना स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं। आप कहीं घुमा फिरा करके कोई भी बात को तो पेश नहीं कर रहे हैं। इन सभी बातों पर आपको गौर करना होगा। आपको अपने भाषा शैली में सुधार करना होगा। यदि लगता है सुधार की गुंजाइश है वहाँ, तो आपको सुधार अवश्य करना चाहिए और अपने हाव भाव में, अपने बॉडी पोस्चर में सुधार करना अति आवश्यक है। फ्रेंड, चलते हैं हम लोग आज के इस क्लास में। हम लोग समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जिस पर हम लोगों को कार्य करना चाहिए और जिससे कि हम लोगों का जो साक्षात्कार का जो चरण है वह काफ़ी अच्छा जाए और अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। फ्रेंड, कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। अगर सभी प्रश्नों की प्रकृति को ध्यान में रखा जाए, तब हम लोग पाते हैं कि जो प्रश्न है वह व्यक्तिगत श्रेणी या खुद से जुड़े हुए प्रश्नों के श्रेणी में एक को रखेंगे, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं पर्सनल क्वेश्चंस। दूसरा जो श्रेणी है वह है आपका जो ज्ञान है, चाहे अपने आसपास से संबंधित, अपने स्थानीय जगह से संबंधित हो, चाहे राज्य से संबंधित हो, चाहे आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश से संबंधित जानकारी हो, चाहे वह विश्व के पटल में जितनी भी तरह की घटनाएं हो रही है, समसामयिक घटनाएं हो रही है, उससे संबंधित आपके पास है कितना ज्ञान है, और आप जो भी चीज़ें पढ़ाई किए हैं उसके प्रति आप कितना ज्ञान रखते हैं। इसके बाद जिस आप विभाग में जाते हैं उस विभाग से संबंधित आपके पास कितना ज्ञान है, आपके पास कितना कॉमन सेंस है, आप किस तरह से किसी भी परिस्थिति को झेल सकते हैं, वो भी काफ़ी सफलतापूर्वक उसको आप डील कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग तरह के प्रश्नों को तोड़ना चाहिए और उससे संबंधित आपको प्रश्नावली बना करके उस पर खुद को तैयार करना चाहिए। कोशिश करें कि जो भी प्रश्न आप तैयार कर रहे हैं उसका लिखित रूप तैयार कर लें, क्योंकि आप जस्ट ऐसा करते हैं कि प्रश्न आपके पास है लेकिन आप जो है मौखिक रूप से उस पर बात करते हैं, लेकिन यदि आप लिखित रूप से एक एक प्रश्न का आप जवाब लेते हैं, तब वह दिमाग में ज़्यादा ठहरता है, आप वहाँ पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए जो भी प्रश्न आपको लगता है काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन सभी का आप लिखित नोट्स अवश्य बनाएंगे और इसके बाद फिर मौखिक रूप से उस पर काम करना शुरू करेंगे। फ्रेंड, अब चलते हैं आपसे जो जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संभावित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह है, सबसे पहला अपने बारे में बताएं।
फ्रेंड, यह जो प्रश्न है यही ओपनिंग प्रश्न है, यही सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है, या इस कारण से यही प्रश्न आपके साक्षात्कार की दशा और दिशा तय करता है। अपने बारे में बताएं। अंग्रेजी में यदि अगला पूछें तब आपको अंग्रेजी में बताने की आवश्यकता है, अंग्रेजी में उत्तर दें। यदि हिंदी में आपसे पूछा जाए तब आप हिंदी में ही जवाब दें। ऐसा नहीं कि अगला अंग्रेजी में पूछें आपसे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप हिंदी में देना प्रारंभ कर दीजिए, या आपसे हिंदी में पूछा जाए तब आप अंग्रेजी में देना प्रारंभ कर दीजिए। आप दरअसल एक अनुवादक अधिकारी के रूप में चयनित होने जा रहे हैं, इसलिए आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में पकड़ रखें। आप हिंदी बोले तो बोलने का प्रयास करिए शुद्ध रूप से। यदि आप अंग्रेजी में कोई भी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तब वो शुद्ध रूप से आपका अंग्रेजी ही होना चाहिए। यही तो वहाँ पर देखा जाता है, यही कहा जाता है प्रदर्शन है। इस कारण से आपको बहुत बहुत ज़्यादा बोलने का प्रयास करना चाहिए। अलग अलग प्रश्न जो प्रासंगिक है उन प्रश्नों पर आपको काम करना चाहिए, ठीक है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या आपने बारे में बताइए, ये जो प्रश्न है जैसा मैंने कहा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप उतनी ही सामग्रियों को डालें जिससे कि अगला प्रश्न करें। यही प्रश्न है कि आप जैसा अगले के समक्ष में परोसेंगे उसी के अनुरूप प्रश्न बनेंगे, तब इसलिए यह एक विन विन सिचुएशन होगी। यदि आप अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय बहुत ही बेहतरीन रूप से बनाते हैं, थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से बनाते हैं, थोड़ा सोच करके बनाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे प्रश्न आपके जीवन से जुड़े हुए पूछे जा सकते हैं, आपके शौक से पूछे जा सकते हैं, आपके परिवार के बारे में पूछे जा सकते हैं, और जिनका उत्तर देना आपके लिए सहज होगा। जानेंगे कि जो भी प्रश्न आपसे जुड़े हुए पूछे जाएंगे वहाँ पर, उन प्रश्नों को लेकर के आपके पास किसी भी तरह की असमंजसता की स्थिति नहीं होनी चाहिए, न ही असहजता का आपको अनुभव करना चाहिए। अन्यथा आपके बारे में ऐसा माना जाएगा कि जब आप खुद के बारे में नहीं जानते हैं तब फिर आप कैसे अपने विभाग के बारे में जान सकते हैं, और आप अपने नीचे कार्यरत जितने भी कर्मचारी हैं उनका आप नेतृत्व कर सकते हैं, उनके लिए आप एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं या उनको कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन सभी चीज़ों पर आपको कार्य करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा अपने बारे में बताने के लिए, इसको लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कहा कि सर इस प्रश्न को कैसे मैं सजाऊँ, इसमें कौन कौन सी चीज़ों का मैं समावेश करूँ ताकि मैं चाहूँ जो वही चीज़ अगला पूछे, और इस तरह से मेरा जो साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है वह काफ़ी आसान हो जाए। देखिएगा कि मैंने खुद का एक परिचय यहाँ पर डाला है, क्यों ना हम लोग इसी परिचय को लेकर के हम लोग जो डिस्क्राइब योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या अपने बारे में बताएं से संबंधित ऐसे कुछ विशेष बातों पर चर्चा करें जो हो सकता है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। फ्रेंड, जो मान मैंने अपना यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है, जैसे मैंने यहाँ पर कहा है, इनमें कुछ बारीक चीज़ें हैं, इसको लेकर के हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर खुद का परिचय दिया, मुझसे पूछा गया कि मिस्टर आनंदम या महाशय आनंदम आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैंने कहा सर मेरा नाम आनंदम है, मैंने स्नातक की पढ़ाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 2001 में अंग्रेजी और हिंदी विषयों में किया, और स्नातकोत्तर अंग्रेजी में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से वर्ष 2003 में पूरा किया। फिर मैंने इसी मुक्त विश्वविद्यालय से हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में डिप्लोमा वर्ष 2006 में किया। नाटक, पेंटिंग और स्केचिंग मेरा शौक रहा है, मुझे हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद है, नए कार्य करने के प्रति मेरी उत्सुकता रहती है।
विद्यालय और महाविद्यालय के स्तर पर मैंने नाटक मंडली का नेतृत्व किया है। मेरे पिताजी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में कार्यरत है और मेरी माँ सीसीएल विद्यालय में हिंदी की शिक्षिका है। मेरे दो भाई और एक बहन है। एक भाई बैंक में कार्यरत है और दूसरा आयकर विभाग में है। बहन एक निजी कंपनी में कार्यरत है। मैं सबों में बड़ा हूँ। यहाँ पर देखिएगा कि कितने सारे मैंने सूचनाएँ दिया है अपने इस परिचय में। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो परिचय देंगे उसमें बहुत सारे इस तरह का शैक्षणिक पृष्ठभूमि रखने वाले सभी लोग होंगे। कोई ज़रूरी नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। यहाँ पर मैंने एक प्रारूप तैयार जो किया है, बस एक उदाहरण के तौर पर आप लोगों के समक्ष रखा हूँ कि मान लिया जाए कि आपका एक जो परिचय है, संक्षिप्त परिचय आपका इस तरह से है, जिसमें कि आपने अपना नाम, अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और पारिवारिक पृष्ठभूमि और अपना शौक, अपनी रुचि और अभिरुचि के बारे में बताया। ठीक है, ये चार चीज़ों के बारे में आपको बताना है, वहाँ पर भी बताना है, सोच लेना है कि आप किस तरह से अपने खुद को वहाँ पर सर्व करेंगे, खुद को वहाँ पर परोसेंगे। यहाँ देखिए, प्रश्न बहुत सारे जगहों पर यहाँ पर बन सकता, कई सारे यहाँ पर हुक्स आपको नज़र आ रहे होंगे जिससे जिन्हें जो इंटरव्यू पैनलिस्ट है वो पकड़ेंगे। आनंदम है, मान लीजिए अपने नाम से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आनंदम जी यह बताइए कि आपका जो नाम है आनंद न रह करके आनंदम है, बताइएगा कि इसका पद परिचय क्या होना चाहिए? आनंदम संज्ञा है या सर्वनाम है या क्या है पद परिचय इसका? दरअसल यह एक विशेषण है, आनंदम संस्कृत शब्द से लिया गया यह शब्द है। आनंदम एक विशेषण है संस्कृत में, ये चीज़ बताना है। लेकिन इसे हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इससे संबंधित आपके नाम से संबंधित वहाँ पर प्रश्न मिल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक हुक दिया, इससे संबंधित प्रश्न उठ गए जिनको लगे कि हाँ इससे संबंधित चलते हैं, इनके नाम से संबंधित मैं पूछ लेता हूँ प्रश्न, कितना अपने नाम से संबंधित इनके पास ज्ञान है। दूसरा देखिएगा, हुक्स कई सारे यहाँ पर निकल करके आएंगे। मैंने स्नातक की पढ़ाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 2001 में अंग्रेजी और हिंदी विषयों में किया। यहाँ पर देखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय काफ़ी प्रख्यात विश्वविद्यालय है ना? इसके बारे में, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, कब किया? ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न उससे हो सकते हैं। जिन्होंने स्थापना किया इसे उनकी जीवनी के बारे में पूछा जा सकता है, कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके, जिस शहर में यह विश्वविद्यालय है या जिस शहर के नाम से इस विश्वविद्यालय का नाम पड़ा है उसके बारे में, उस शहर के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, उसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर मैंने लिखा है कि अंग्रेजी और हिंदी विषयों में स्नातकोत्तर किया, पीजी किया। यहाँ पर हिंदी नहीं, स्नातक हिंदी और अंग्रेजी विषयों में किया और स्नातकोत्तर मैंने इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से वर्ष 2003 में पूरा किया। कोई गैप नहीं। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय क्या है, इसका रैंकिंग क्या है विश्व स्तर पर, इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके, आगे मैंने हुक यहाँ पर दिया है, फिर मैंने इसी मुक्त विश्वविद्यालय से हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में डिप्लोमा वर्ष 2006 में किया। ओके, अब 2006 में किया, 2003 में तो यहाँ पर क्या हो गया, स्नातकोत्तर की डिग्री मुझे प्राप्त हो गई और जो डिप्लोमा का जो कोर्स है अनुवाद के लिए वह तो एक वर्ष का है। अब 2003 से लेकर के 2006, मान लीजिए एक साल 2005 से 6 आपका पढ़ाई में गया, डिप्लोमा कोर्स को हासिल करने में गया,
बाकी जो बीच में जो गैप बचा, समय समय का जो गैप आपके पास रह गया, उस दरमियान आप क्या कर रहे थे, प्रश्न उठ सकता है। इसके लिए आपको तैयार कर लेना है खुद को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हुक है वो क्या हम दे रहे हैं अपने परिचय में, कि इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बता रहा हूँ आपके समक्ष में, आप इनमें से जो लगता है पूछने लायक है या आपके मन में जो प्रश्न उभर रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछें। कई सारे यहाँ पर हुक्स आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। अब यहाँ मैंने अभिरुचि रुचि के बारे में बताया कि नाटक, पेंटिंग और स्केचिंग में मेरा शौक रहा है ना। आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपके पास नाटक के किस तरह का नाटक किए, हरिश्चंद्र पर आधारित एक नाटक नाटक हम लोगों ने आयोजित किया स्कूल स्तर पर, ठीक है। उसके बारे में, उस नाटक से संबंधित कई सारे पहलुओं के बारे में जानना शुरू करेंगे। मान लीजिए हरिश्चंद्र का नाटक के बारे में आप कहते हैं तो हरिश्चंद्र से संबंधित कई तरह के प्रश्न बनते हैं, उनसे संबंधित कई तरह के जो कृतियां हैं उन वो आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर पेंटिंग की यदि बात आती है, पेंटिंग और स्केचिंग मेरा शौक है। अब पेंटिंग और स्केचिंग में क्या अंतर है, इससे संबंधित प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, ठीक है। कुछ प्रसिद्ध पेंटरों के नाम आप बताइए, कुछ प्रसिद्ध स्केचिंग करने वाले लोगों का नाम बताइए कुछ, और फिर हो सकता है कि जो कुछ विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है या स्केचिंग है उससे संबंधित तक कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो भी आपने रुचि दिखाया है, अभी रुचि दिखाया है अपने अपने परिचय में, उससे संबंधित आपको अच्छी तरह से तैयार रहना है। इसलिए क्या करना है कि आपको काफ़ी डिप्लोमेटिक तरीके से, काफ़ी सोच समझ करके, आधा घंटा लगे, एक घंटा लगे, आपको अपना एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए मेरे मजबूत पक्ष यहाँ पर दिखाए गए हैं, मुझे हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद है। इससे ये भी अपने आप में एक हुक है, पूछा जा सकता है कि अभी तक आपने किस तरह का चुनौतीपूर्ण कार्य किया बताइए, है ना, क्या किया, आपको इसका जवाब आना चाहिए। और आप वहाँ पर क्या करें कि कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, आप सोचना शुरू कर देते हैं, तब तो फिर तो मुश्किल है, तो फिर आपने अपने अपना बायोडाटा को तैयार ठीक से क्यों नहीं किया, नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर सबल पक्ष मैंने बताया, नए कार्य करने के प्रति मेरी उत्सुकता रहती है। चलिए ये एक अच्छी बात है, नया कार्य करने के प्रति मेरी उत्सुकता रहती है। तो ये चुनौतीपूर्ण कार्य को से संबंधित है। इसके बाद फिर क्या है, विद्यालय और महाविद्यालय के स्तर पर मैंने नाटक मंडली का नेतृत्व किया। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ऊपर में मैंने शौक लिखा है, रुचि लिखा है कि मेरी जो रुचि है नाटक में है, और बाद में हमने यहाँ पर उपलब्धि भी दर्शाया कि इसके कारण से मेरे में कौन सा गुण विकसित हुआ, नेतृत्व करने का गुण विकसित हुआ, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें जो है, जो भी आपके पास गुण है, वो गुण आप जिस पद के लिए जा रहे हैं उसके साथ मेल खाना चाहिए, इस पर आपको काम करना चाहिए। अधिकारी का जो गुण होता है, नेतृत्व का गुण होता है, शासन करने का गुण होता है, समझाने का गुण होता है, काम लेने का गुण होता है, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके आप अपनी रुचि या अभिरुचि के बारे में अपने परिचय में उसका बखान करेंगे, उसको आपको लिखना है, ठीक है, और उस पर आपको तैयार भी कर लेना है। इसके बाद फिर देखिए, फिर मैंने यहाँ पर फैमिली बैकग्राउंड, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में मैंने बताया। ध्यान रखिएगा कि यदि पारिवारिक पृष्ठभूमि बताने के लायक है, बता सकते हैं
और वो अपने आप में एक बेहतरीन हुक के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे कि कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन ठीक ढंग से नहीं देते हैं और नहीं उस पर तैयारी करते हैं, तब सीधा सीधी जो इंटरव्यूअर्स है वो क्या करेंगे, वो आपसे उन सभी चीज़ों के बारे में जानना प्रारंभ कर देंगे जिसके बारे में आपके पास थोड़ा कम ज्ञान रहने की संभावना रहेगी। देश विदेश के बारे में, विभाग के अंदरूनी चीज़ों के बारे में, है ना, आपके जो आपने जो पढ़ाई किया है स्नातक स्तर में और स्नातकोत्तर स्तर में, उनसे संबंधित काफ़ी गहरे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। उन सभी प्रश्नों में कमी लाने के लिए आपको यहीं पर इंट्रोडक्शन में ही आपको बढ़िया से कार्य करके जाना है, क्योंकि इसे पूछने की संभावना 90% रहती है, 90% से भी आप ज़्यादा मान करके चलिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में मेंशन कर दिया, मुझे लगा कि मेंशन करना चाहिए, क्योंकि देखिए मेरे पिताजी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में कार्यरत है। अब सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL, इसके बारे में कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं, आप कहाँ से आते हैं, है ना, कहाँ कहाँ पर CCL के ऑफिसेज हैं, दफ्तर कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर रहता है, आपके पिताजी वहाँ किस पोस्ट पर हैं, क्या किस तरह का कार्य करते हैं, ओके, CCL इस विभाग के बारे में कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने अनुसार क्या कर रहे हैं, इंटरव्यूअर्स को मोटिवेट कर रहे हैं पूछने के लिए, वैसे ही प्रश्न पूछने के लिए जो मैंने हुक्स के रूप में अपने इंट्रोडक्शन में दे रखे हैं। यहाँ तक समझ में आया, इसके बाद फिर देखिए और भी मैं आगे यहाँ पर बढ़ाऊँ कि मेरी माँ जो है ना CCL विद्यालय में हिंदी की शिक्षिका है, हिंदी है, और चूंकि मैं अनुवादक परीक्षा के लिए जा रहा हूँ तो एक अलग सा वहाँ पर इम्प्रेशन बन सकता है। अगर नहीं है ऐसी बात तो गृहिणी कह करके आप आगे बढ़िए, ठीक है, अर्थात आप जिस तरह से अपने इंट्रोडक्शन को सजाएंगे संवारेंगे उसी अनुरूप आपसे प्रश्न होने वाले हैं। इसके बाद फिर देखिए मेरे दो भाई हैं और एक बहन है, एक भाई बैंक में कार्यरत है और दूसरा आयकर विभाग में, बहन एक निजी कंपनी में कार्यरत है, मैं सबसे सबों में बड़ा हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर इस चीज़ को दर्शाने का प्रयास किया है कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है, मेरी शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी अच्छी है, मेरी रुचि अभिरुचि जिस जिस में है और उस चीज़ का मैंने यहाँ पर वर्णन किया है ताकि उससे संबंधित प्रश्न पूछें। मान लिया जाए इस तरह का जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, सबके पास तो नहीं रह सकता है, तो उनको कोशिश यह करना चाहिए कि वह थोड़ा इस पर गौर करें, विचार करें कि मुझे कौन कौन सी चीज़ों पर यहाँ पर बात करना चाहिए ताकि वो हुक्स के रूप में कार्य करें। इससे आप देखेंगे कि सभी प्रश्नों का जवाब आप अच्छी तरह से दे पाएंगे और आपका जो आत्मविश्वास है वह बढ़ना शुरू हो जाएगा। वहीं इन साक्षात्कार के ही दरमियान आपका आत्मविश्वास यदि बढ़ता है तब समझिए कि आपसे कुछ कठिन प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो वह उसे थोड़ा आप इग्नोर भी कर सकते हैं यदि आपको जवाब नहीं आता है, क्योंकि ज्ञान संबंधित जो प्रश्न होते हैं ज्ञान पर आधारित उसके लिए तो आप सॉरी कह सकते हैं, क्षमा करें मेरे पास इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, क्षमा करें सर इसके बारे में मेरे पास पूर्ण जानकारी नहीं है। लेकिन अगला मान लिया जाए कहें इंसिस्ट करें कि चलो कुछ जो जानते हैं वही बताओ, आपको ट्राई करना चाहिए, हो सकता है कि आप जो उत्तर दे रहे हैं वह गलत हो लेकिन अगला इस बात को लेकर के सकारात्मक रवैया अपनाएंगे कि अगला ने प्रयास तो किया,
क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि कोशिशें ही कामयाब होती है। कोशिश तो करना ही चाहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। आप लोगों ने तो सुना ही इस बात को, ओके, इसलिए कोशिश करना है। तो आप कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं जान रहे हैं तब आपको इस बात को लेकर के थोड़ा विचार करना है कि आप प्रश्न को लेकर के संजीदा है, गंभीर है, आप थोड़ा समय ले रहे हैं। मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछा है ना, और आप उस प्रश्न का जवाब जानते ही नहीं हैं, तुरंत नहीं कह देंगे माफ़ करें मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, तुरंत नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा प्रयास करेंगे, 2-3 सेकंड रुक करके आपको जवाब देना चाहिए ताकि अगले को लगे कि मैं प्रश्न कर रहा हूँ तो तुरंत अगले ने सॉरी कह दिया, मेरे प्रश्न का कोई यहाँ पर महत्व ही नहीं रहा, अगले ने एक जरा सा भी प्रयास नहीं किया। इस तरह की भावना अगले में नहीं होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। पैनल में जितने भी लोग बैठे हुए रहते हैं, आपको कोशिश करना है कि जब आप उत्तर दे रहे होते हैं तब सभी के हाव भाव के बारे में भी आपको देखना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए। ये नहीं कि एक ने पूछा तो बस उन्हीं को ही देख करके जवाब दिए जा रहे हैं, आपकी आँखों की पुतलियाँ इधर उधर नहीं हिल रही है, अन्य को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी इग्नोर किन्हीं को भी नहीं करना है वहाँ पर, जहाँ तक आप किसी खास को देखने की बात करते हैं, तो किसी खास को नहीं, सबको एक झलक बीच बीच में जरूर देखते रहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको याद जरूर रखना चाहिए। तो इसी से संबंधित देखिए कितने सारे प्रश्न आपके यहाँ पर बन गए, अपने बारे में बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यही है जिसका जवाब आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक फ्रेम करना चाहिए। अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताएं, ठीक है, कब आपने किया, कोई गैप अगर रह गया है तो क्यों रहा, इसके बारे में आप बताइए, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक आपको सफलता क्यों नहीं मिला, क्या वजह हो सकता है, ठीक है। आपसे प्रश्न अन्य तरह से भी पूछे जा सकते हैं, मान लीजिए आप कहीं पर ऑलरेडी कार्यरत हैं, सरकारी विभाग में कार्यरत हैं, आप ऑलरेडी कार्यरत हैं तो फिर इसमें क्यों आना चाहते हैं, है ना। कोशिश करिएगा कि जो भी जेन्युइन रीज़न है, जो भी सही रूप में कारण है, उसी कारण को बताने की कोशिश करिएगा। आप क्या है कि थोड़ा झूठ या थोड़ा छुपाने का कार्य करेंगे, आपके हाव भाव से अगला पकड़ लेगा कि बंदा जरूर घुमा फिरा करके बातें कर रहे हैं, तो फिर दूसरा, तीसरा, चौथे, पांचवें प्रश्न पूछ करके आपसे सच उगलवा ही लेंगे, और यदि सच बाहर आया तो फिर समझिए कि आपका अंक वहाँ कटेगा। इसलिए कोशिश करिए आप अपने प्रश्नों का जवाब काफ़ी ईमानदारी पूर्वक दीजिए, टू द पॉइंट दीजिए, घुमा फिरा करके बातें मत करिए, जितना पूछा जाए उतने ही प्रश्न का जवाब दीजिए, ज़्यादा मत दीजिएगा, ठीक है। आपने उस विश्वविद्यालय के बारे में बताएं जहाँ से आपने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया, आपके शौक क्या है। कभी कभी शौक को लेकर के मैं भी यहाँ पर एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। मेरे पास एक इंटरव्यू का पूरा बैच आया हुआ था, उसमें जो है ना, मैंने कहा कि देखिए, जैसा मैंने अभी आपको कहा, सलाह दिया कि आप शौक को लेकर के आप कोशिश करें या जो भी प्रश्न किया जाए उसको लेकर के ईमानदारीता जरूर बरतेंगे वहाँ पर। अब उसने तो सुना मेरी बात को, लेकिन उसने एक प्रश्न किया कि सर, मैं स्विमिंग अर्थात तैराकी करना मेरा शौक है, मेरी रुचि है, क्या मैं यह दे सकता हूँ, इसके बावजूद कि मुझे तैराकी एक ज़रा सा आता नहीं है। उसने
प्रत्यक्ष रूप से इस तरह का प्रश्न मेरे से पूछा। मैंने कहा कि तैराकी यदि आता नहीं है तो फिर आप कैसे इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सर वो मुझे तो तैरने के लिए तो नहीं कहेगा कि तैर करके बताओ, जिस तरह से अन्य लोग कहते हैं कि अन्य लोगों से पूछे जाते हैं कि तुम्हारा क्या शौक है और अगला जवाब देता है कि मेरा मुझे गाने का शौक है, अगले से वो पूछ लेता है वहाँ पर कि ठीक है एक गाना गुनगुनाओ, है ना। लेकिन चूंकि मैं तैराकी के बारे में कहूँगा तो मुझे तैरा करके तो नहीं दिखाएगा, है ना, मुझे तैरा करके दिखाना तो है नहीं। लेकिन तैराकी से संबंधित यदि मैं हर तरह के प्रश्नों का जवाब दे दूं तब क्या हर्ज है? तो मैंने कहा हाँ, आपके आपकी बातों में, आपके तर्क में यहाँ पर तो दम है, ठीक है, आप क्या करें। तब मैंने उनको एडवाइस किया कि आप ऐसा करें कि कुछ प्रमुख तैराकियों के नाम आप गिनवा देंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न तो जरूर पूछे जाएंगे, है ना। आपसे ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि देखिए तैराकी एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप कैसे इसे शौक के रूप में कैसे यह आपका शौक रह सकता है। जहाँ पर भी आप जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर आपको पूल मिलेगा ही, वहाँ पर आपको नदी या तालाब मिलेंगे ही जहाँ पर आप अपने शौक को पूरा करेंगे। तो आपको वहाँ पर इस तरह से कहना है। मैंने उनको बताया कि अभी तक तो मेरी तैराकी है, क्योंकि मैं किसी गांव से आता हूँ और गांव में मेरे ही घर से काफ़ी कम दूरी पर एक तालाब है। मैं सुबह सुबह वहीं तैराकी करने के लिए चला जाता हूँ और वहीं पर मैं नहा धो करके उसके बाद फिर घर आ जाता हूँ। मुझे वो अच्छा लगता है हर दिन। और गर्मी के दिनों में मैं 2-3 बार मैं तैराकी कर लेता हूँ, अलग अलग तरह से स्टाइल करते हुए मैं तैराकी करता हूँ, ठीक है। और जब मैं नौकरी में आ जाऊँगा, मुझे इसकी सुविधा नहीं मिलेगी, तो मैं मेरे अन्य शौक भी है, उस शौक को लेकर के या समय के साथ कुछ शौक भी बदलते हैं, मैं अपने शौक को एक्सप्लोर करूँगा, देखूँगा कि तैराकी की जगह पर मेरी और कौन सी शौक विकसित हो सकती है। मैं उस शौक को विकसित करूँगा, उस रुचि के साथ मैं अपना जीवनचर्या को जोड़ूंगा। तो ये जो चीज़ें हैं, कोशिश करना है कि आप तत्क्षण जवाब किस तरह से दे सकते हैं आपको देना है। और वो लड़का वही किया और तैराकी से संबंधित ऐसे ही प्रश्न अगले से पूछा गया और उसने सभी का जवाब काफ़ी अच्छी तरह से दिया। हाँ, काफ़ी सारे उसने इंटरव्यू के क्लासेस कर लिए थे, इसलिए उनको बोलने में एक ज़रा सा भी हिचक नहीं हुई। और देखिएगा, कोई भी चीज़ को बोलते समय में यदि हिचकिचाहट आपकी रहती है तो पता चल जाता है। आप अपने हाथ को, उंगलियों को अपने नाक के पास ले जाते हैं या आपका हाव भाव थोड़ा बदलना शुरू हो जाता, आप असहजता वाला आप शारीरिक मुद्रा रखते हैं, हाव भाव रखते हैं, तो अगला समझ जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप बना करके बोल रहे हैं। ये चीज़ ना आए इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा आप बोलने का प्रयास करें, जितना अच्छी तरह से आप खुद को परोस सकते हैं बोल करके, अपना व्यक्तित्व का प्रदर्शन करके, उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा क्या है, आप खुद के 3 सबल और 3 कमजोर पक्ष बताएं। अब देखिए, सबल पक्ष को गिनवाना बहुत आसान है, लेकिन निर्बल पक्ष जो है, जो कमज़ोर पक्ष है, उसके बारे में काफ़ी हम लोगों को दिक्कतें होती है कि क्या मैं कमज़ोर पक्ष बोलूं, है ना। ध्यान दीजिएगा कि कमज़ोर पक्ष पर काम करने से पहले आपको यह सोचना है कि आपका जो कमज़ोर पक्ष ऐसा होना चाहिए जो एक तरफ से उसे देखें तब लगें कि वह सचमुच कमज़ोर पक्ष है आपका, लेकिन दूसरी तरफ से देखें तब लगे कि अरे ये तो इसका अच्छा पक्ष है, ओके? अब जैसे कि एक कमजोर पक्ष के बारे में मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूं आपके समक्ष में। एक क्या है कि आपने एक निर्बल पक्ष के बारे में बताया कि मैं कभी कभी काम में बहुत ही ज्यादा खो जाता हूं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा खो जाता हूं। अब अगले ने पूछा कि ये तो अच्छी बात है,
तब आप काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तब आपको कहना है कि खो तो जाते हैं वो तो अच्छी बात है, काम तो हो जाती है, लेकिन इसके कारण से मेरी दिनचर्या में समस्या आ जाती है। ठीक है, तो देखा आपने कि एक तरफ मैंने जस्ट एक उदाहरण पेश किया, एक तरफ से लगे कि वह आपका निर्बल पक्ष है, दूसरे तरफ से वो देखे तो वो आपका सबल पक्ष नजर आवे। तो ये इन आप अपने कमजोर या निर्बल पक्ष पर आपको काम करना चाहिए। ठीक है, एक अगर आप निर्बल पक्ष लेते हैं, बोलते हैं तो निर्बल है तो निर्बल है, इस पर प्रश्न पूछे जा ही सकते हैं कि यह आपका निर्बल पक्ष है तो आप इस निर्बल पक्ष से उबरने के लिए क्या करते हैं, आप इसे हटाने के लिए क्या करते हैं। आपको उसका सटीक जवाब देना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सातवां भी देख लेते हैं कि आपने अभी तक की प्राप्त उपलब्धियों के बारे में बताएं। यह कभी भी नहीं बताएं कि मैंने पीजीटी कर लिया, मैंने डॉक्टरेट की उपाधि ले लिया, इस तरह की उपलब्धियां नहीं है। आपको उपलब्धियां, आपकी उपलब्धियां ऐसी होनी चाहिए जो आपके आपका एक्स्ट्रा करिकुलर से संबंधित हो। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, इस तरह का कार्य करते हैं तो उसमें आपकी कोई उपलब्धि हुआ है? आपने राज्य स्तरीय कोई भी चीज़ को खेला है? आप क्या राष्ट्र स्तरीय अपनी पहचान कोई भी बनाई है अपने अपने रुचि अभिरुचि को लेकर के, अपने प्रोजेक्ट को लेकर के? ठीक है, जैसे मैं एक उपलब्धि बताऊँ यहाँ पर कि मुझे एक प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ था अपने विश्वविद्यालय की तरफ से, और उस प्रोजेक्ट को लेकर के मैंने काफ़ी मेहनत किया और मैंने लगभग 60 पन्नों का अपना एक प्रोजेक्ट बनाया और उसको मैंने सौंपा और 50 स्टूडेंट्स उसमें से चयनित हुए और उसमें से फर्स्ट 5 को प्राइज भी मिला और प्रशस्ति पत्र भी मिला, उसमें से मैं भी एक था, वो एक उपलब्धि है मेरे लिए। ठीक है, फिर देखिएगा आठवां, आपकी अभी तक की सबसे बड़ी असफलता क्या रही? असफलता के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि चाहे वो शौक से संबंधित हो, चाहे आपकी पढ़ाई से संबंधित हो, है ना, आप कह सकते हैं इसमें आप हमसे क्यों जुड़ना चाहते हैं, अपनी योग्यता के बारे में बताएं कि आप किस तरह से EPFO JTO के लिए उपयुक्त है, ये इसके बारे में आप बताइए। आपको इन सभी प्रश्नों पर लिखित रूप से तैयार होना चाहिए। एक बार लिख लिए, इसके बाद फिर उस देख लिए कि उस यह प्रश्न दी बेस्ट है, इससे और मेरे से ज़्यादा नहीं हो सकता है, फिर उसको आप बोलने का प्रयास कर लिए। एक बार लिख लिए तो वो फिर मन में तो रह ही जाता है, वहाँ पर स्पॉन्टेनियसली उत्तर निकलते चले जाएंगे यदि आप लिखित रूप से तैयारी करते हैं एक एक प्रश्न का। आगे क्या है, दसवां एक देख लेते हैं, आपको लगता है कि आप इसके लिए सबसे योग्य उम्मीदवार है, यदि है तो आपको ऐसा क्यों लगता है? ये कुछ उसी तरह से ही है जिसमें आपको बताना होगा कि आप अन्य उम्मीदवार से कैसे अलग है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज का ये जो सेशन है जिसमें कि हम लोग कई तरह के प्रश्नों के बारे में जाना, हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न अपने बारे में बताएं इसको लेकर के काफ़ी विस्तार से बात किया, आप काफ़ी इससे लाभान्वित होंगे आशा करते हैं। आपके आने वाले परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।